सबसे पहले डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर माननीय काशीराम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सभा पर मंच पर बैठे सभी सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पिताजी बीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी और दूर दराज से आए हमारे साथी माताएं और बहनें, मैं सबका खैर नाम बहुत कम जानता हूँ, कुछ है कोई वो न समझे कि हमारा नाम न लिया गया। खैर ये बात सही है कि भीड़ भीड़ की बात तो बड़ी दुख की बात हो रही है और मैं उन्हें भी बता दूं कि जो गडिन्ना से हमारे अपनी मेटाडोर भर कर लाए उनका धन्यवाद, कल्याणपुर से प्रधान जी अपनी मेटाडोर भर कर लाए उसका धन्यवाद, मुन्ना सिंह जी जो सामने खड़ी सोनीपुर से अपनी लाए मेटाडोर भर कर उसका धन्यवाद, दालू हेडा से ट्रैक्टर भर कर लाए उनका। खैर भीड़ के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे सिर्फ कोई मैं बात अपनी खत्म कर दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा कि ये जो पिछला हफ्ता अभी जो हुआ है इसमें मात्र में जो एक ही दिन घूमने का मिला था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गया था मैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी कि हमारे साले का लड़का एक्सपायर हो गया था, सोमवार के दिन मैं नहीं जा पाया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे साथ एक ही दिन गाँव में गए, जहाँ जहाँ गए हैं तीन चार जगह वहाँ चल वे लोग अपनी भीड़ के साथ आए। लेकिन दूसरी बात ये थी कि दुखी की जो हमारा दलित संघर्ष मोर्चा चल रहा है उसका मिशनरी का जो एक आदमी था जो हमारे उसका उपाध्यक्ष भी था वो एक्सपायर दिन वाले दिन हो गया और उस दिन मैं हमारे साले का लड़का एक्सपायर हो गया था, मैं नहीं था, उन्होंने गलती से वो आज के दिन वो खुद उसकी जो वो करते हैं वो आज का ही दिन रख दिया उन्होंने गलती से, जिसमें हमारे करीबन हजारों आदमी आज थोल्डी में बैठे हुए हैं और कुछ ही चंद में वहाँ से भी निपटा के यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि वो बंदे के द्वारा कार्यक्रम किया गया है। वो उसने कभी जीवन में, मैं आपसे ये बता दूँ, मेरा बहुत जूनियर रहा, मेरा साथी रहा, मैं उसके बहुत नज़दीक रहा, उसने कभी भी मैं कहता था कि अध्यक्ष जी आज तो नवरात्रि है फलाना कह लगे, मुझे कोई पता नहीं नवरात्र चौथा क्या हुए, देवी देवता को अपने घर में बड़ी गाली देता था। डेढ़ साल बीमारी के बाद भी उसे बहुत आदमियों ने कहा कि यार ये मान ले वो मान ले, कह लगा मैं जिंदगी में नहीं मानता, मैं सिर्फ बाबा साहब को मानता हूँ, जिंदगी आज है कल खत्म हो जाए, लेकिन वो आदमी आज हमारे बीच में जहाँ चला गया आज वहाँ मुझे भी जाना था, लेकिन मेरी ये सबसे बड़ी दिक्कत है मुझे यहाँ रहना बहुत जरूरी था, कुछ ही चंद में वे लोग सब यहाँ आने वाले हैं, वहाँ बनते के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा था वो खत्म होने वाला है आगे। खैर चलिए ये तो बातें बहुत हैं, मैं अध्यक्ष जी आपको यह आश्वासन देता हूँ कि जो दलित संघर्ष मोर्चा हमने कितने वर्षों से चला रखा मेरठ के अंदर, मैं आज आपसे कहता हूँ कि उसका एक एक आदमी जो ब्लॉक वाइज हमारे संगठन में खड़ा है वो आज से आपके मोर्चे में काम, आपकी संगठन में आपकी पार्टी में काम करेगा, ये मैं आज के माध्यम से कह रहा हूँ। आज के बाद वे जनहित पार्टी के नाम से ही ज्ञापन देंगे और जनहित पार्टी के नाम से ही वे किसी भी अधिकारी से मिलेंगे, चाहे वो SSP हो, भले ही जैसे हम DM और SSP को देते थे अब तक ज्ञापन और वो हमारे कार्ड के अहंकार का आता था बाहर निकल करके, ऐसे ही वो कार्ड आज के बाद आपका जाएगा और उस कार्ड से यहाँ के SSP DM वगैरह को हम उसी तरह से देंगे, चाहे वो कभी भी कहीं भी कार्ड हो, चाहे किसी भी उसमें हो, लावड़ में हुआ अभी पीछे से हमने जब उसे घेरा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। रही उसकी भीड़ की बात, अभी मैं कल परसों एक बात बता रहा था और आज भी बता दे रहा हूँ, एक बार एक छोटी सी मिसाल है, एक कुतिया के चार बच्चे पैदा हुए, वे चारों बच्चे पैदा होते ही हो एक उनमें कह रहा योगी मोदी जिंदाबाद, वे चारों कह रहे जिंदाबाद जिंदाबाद, वो कुतिया वाला कह लगा कि मान लीजिए तुम्हारे तो बच्चे तो गर्भ में थे, वे बेचारे निकल गए हैं पैदा हुए हैं, वे भी तुम्हारी जिंदाबाद बोल रहे। अब भैया उन्हें ना सोची यार बहुत बड़ी बात है, देखो यार जो बच्चा गर्भ से पैदा होकर आया है हमारा कितना बड़ा वो नाम है कि वो भी जाए बोल रहा हमारी, चलो भाई हम देखेंगे। वे आगे उन्हें कहा भाई वे आए हैं माननीय साहब आए हैं, देखो अबे जो कहे किधर है, तो वे कह रहा योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, वो कह रहा है चो क्या कहने आए यार ये तो मुर्दाबाद बोल रहे। कह लगे साहब मेरी बात सुनो, ये जितना हुए थे उतना तो इनकी आँख मिचरी थी, आज इनकी आँख खुल गई जो राड होगी, जब इनकी आँख खुल गई तो भैया मेरी सुन लो बात, अभी 19 का जो चुनाव आ रहा ना वो जो छोटा वाला जब तो गई थी आँख मिच तो मंडिये सब कैडे हो गए बैलेट पे और दिखे, अब क्या खुल गई आँख, कभी अगर इन्हें दिख रहा हो भाजपा वालों को कि वहां हम आ जाएंगे
देखिए आपको जनता की आंख खुल रही है, अब ना कोई जिंदाबाद कह रहा है। अब तो भैया इनकी वोट पे लगेगी सबकी वोट, और भैया ये जाके सत्ता में वहां पार्लियामेंट में। तो भाई मेरा तो यही आपसे अनुरोध है, भाई सामने बैठे जो हमारे साथ आए उनका भी भाई जय भीम जय भारत। और भाई आपके देखो आने के लिए ध्यान रखो, ये सच्चाई बात है कि अगर हम एक का एक साथ लेकर चले तो आदमी तो बहुत हो जाए, पर हम समस्या ये यहाँ छह बार से अध्यक्ष जी जो अम्बेडकर समिति बनती है उसके हम ही बने हैं, जो धीरे बनी करती है। वही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह जी बैठे जाने भीड़ देहात से सारे काम करें, पर समस्या यो है कोई एक को एक लेके नहीं आता के ले आवर बैठ जा गाड़ी खत्म हो जा। तो भैया देखो गांव में देहात में जाना पड़ेगा, और हमको अध्यक्ष जी आपसे आज आश्वासन दे रहे क्योंकि भाई हम भी ऐसे बीमार हो गए थे, उसमें आपने हमारी बहुत मदद की, जिंदगी बची। ये हमारी तो जिंदगी आपके नाम है, जहाँ ले चलते हो कल से आपके साथ है, सड़क पर बैठते हो सड़क पर, कहीं वैसे चलते हो वैसे आपके साथ। जय भीम जय भारत।